गुड मॉर्निंग। तो आज है, आज क्या है स्कूल में? आज स्कूल में हाफ ईयरली, हाफ ईयरली एग्जाम स्टार्ट हो रहा है दोनों बच्चों का आज। तो ये ऑडोमोस भूल गए थे लगाना, ऑडोमोस लगा रही है। सो ऑडोमोस लग गया, ऑडोमोस भूल गए थे लगाना। तो आज क्या एग्जाम है हाफ ईयरली ना? कौन सा सब्जेक्ट है? SST। तैयारी हो गया एकदम? कल रात पापा ने मतलब स्कूल से प्रैक्टिस पेज में दिया था लर्न करने के लिए, तो वो ही मेरे पापा ने प्रिंट आउट करके निकाल दिया। हो गया और अब मैं उसको लर्न करती हूँ। बस प्रिपरेशन डन। और चिंपू का है मैथ, आज मम्मी ने बोला तो मतलब आज दो लंच ब्रेक होने वाले हैं, एक स्नैक्स वाला लंच और एक प्रॉपर लंच वाला। तो मम्मी आज मतलब मम्मी ने बोला था स्नैक्स में मुझे सैंडविच दे। तो चले गए। तो आज थोड़ा सा मेरा हड़बड़ी है क्योंकि उठने में थोड़ा सा लेट हो गया है, और मेरा जो सुबह जाता है लिंक्डइन का पोस्ट वो भी अभी थोड़ा सा काम पेंडिंग है, तो जल्दी जल्दी से जाके वो पहले काम कंप्लीट करना है। और ये देखिए मैडम का चिट चैट चल रहा है। चलिए अभी काफ़ी शोर हो रहा है बाहर, मैं आ गया हूँ फिर से ब्रेकफास्ट वगैरह करके। ब्रेकफास्ट क्या, लंच वगैरह की भी तैयारी हो गई है। तो अभी बज रहा है लगभग 1:30 बजे के आसपास है, तो मॉर्निंग में बात हुई थी उसके बाद अभी 1:30 बज रहा है। तो बच्चे अभी स्कूल से आ रहे हैं, उसी को मैं पिक करने आया हूँ। मैडम अभी घर पे एडिटिंग चल रहा है उनका ब्लॉग का, ये काफ़ी शोर चल रहा है, काफ़ी काम ये काम हो रहा है कंस्ट्रक्शन का। तो कई बस देखो की पेचो और उस्ताद एटा दीजे बेटे, उस्ताद तुम्हें की पेच बाबू। अरे तरीके फॉलो इंस्ट्रक्शंस, ये बैच मिला आपको, इंस्ट्रक्शन फॉलो करें। बैच मिला इनको चिंपू को, फॉलो इंस्ट्रक्शंस मतलब वो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करती है, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेगी। वाह वाह वाह, करती है अमेजिंग। चलो 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 है भूख भी लग गई, उसको टॉयलेट भी है। अरे तरीके चलो चलो, ये देखिए यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, कितना शोर हो रहा है यहाँ से। अरे तरीके दौड़ा ना पड़े हुए, देखो आगे डगा छे। ये देखिए इनको अकेले ही जाना है, देखिए देखिए देखिए। अरे अरे चिंपू चिंपू देखो 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 देखो। सो ये पूछ रही कि आप अकेले आए हो, मैं बोला कि मैं तो गया ही नहीं हूँ, सुबह से मैं मॉर्निंग वॉक ही कर रहा हूँ। मम्मी कर देखूंगी तुम्हारा मेरा ब्लॉग। ये देखिए उड़न पंछी, क्या हुआ आज डैडी है? आज स्पेशल खाने में बना है मैगी, बिस्किट नहीं बना है, कुछ अच्छा ही बना है। देख रहे डॉगी अच्छे ना, मैंने इनको बोला कि डॉगी अंदर वहां पर का, देखो लौट के आ गए। चलो चलो चलो, तो आज चिंपू को बैच मिला है, कौन सा बैच है? फॉलो इंस्ट्रक्शंस, मतलब ये इंस्ट्रक्शंस को बहुत फॉलो करती है या नहीं करती उसके लिए दिया गया कि करो? नहीं स्टार भी दिया है। अच्छा स्टार भी दिया है, ये तेरी देखे एक बार दिखा दो कहाँ कौन सा बैच है। फॉलो इंस्ट्रक्शंस, वाह 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 वाह। उगले बाबू थके धोरक की वजह से झूले गए, सुबह से थक गया हूँ मॉर्निंग वॉक करते करते, सुबह से मैं यही हूँ। ब्लॉग देखूंगी, ब्लॉग में ब्लॉग देखेंगे, ब्लॉग में तो है ही नहीं कुछ। आपके जाने के बाद मैं यहाँ ब्लॉग देख, बोलते ब्लॉग देख के पता करेंगे कि क्या कर रहे थे, आपको भी पता है कि मैं क्या कर रहा था सुबह से। फिर नेक्स्ट वीडियो आप ही का।
अरे हो गई है ओवर चार्ज। अरे अरे अरे, अरे। जाओ जाओ जाओ। सर का 3 साल से पेंडिंग वाला काम उस दिन भी कंप्लीट नहीं हुआ था, तो फाइनली आज हो जाएगा, क्योंकि जो हमें पसंद आया था ना सूज वो हमें मतलब मिला नहीं था, साइज नहीं था, तो भैया ने कल ही कॉल कर दिया था कि आ गया है, तो हमने फिर आज आए, कल तो मूवी वगैरह था। मतलब कैसे बता दिया ना कि 3 साल से पेंडिंग है। मैडम का हर महीने होता है ना, उसी हिसाब से मेरा 3 साल हो गया, हर महीने नहीं मेरा हर महीने नहीं होता है, लेकिन हाँ तो चलिए फिर हम आ गए हैं, रिलैक्स हो। अब पता नहीं तो, वो बिक गया होगा या रखा होगा। हाँ तो फिर पेंडिंग में होगा, फिर हम सिग्मा रूल लगाएंगे कि अभी हम जा रहे हैं किसी और दुकान पे। चलिए फाइनली साइज मिल गया। मैडम को भी मैंने बोला कि आप भी ले लो, क्योंकि इनके पैर में थोड़ा सा, वो डॉक्टर ने बोला कि स्पॉन्ज वाला थोड़ा सा सूज, बच्चे पहनते हैं ना जैसे पिंग पोंग वाला। चलिए हो गया लेना। मेरे हील में थोड़ा सा पेन है, तो डॉक्टर ने बोला कि सॉफ्ट हमेशा रखने के लिए, कोई हार्ड अगर मैं पहन लूँगी तो दिक्कत होगी। भैया ने वो बच्चे वाला दिखाया था कि ये ठीक रहेगा आपके लिए। आप देखना बच्चे। मैडम को खाना है आज गोलगप्पा, और वो भी वो स्टाइल जो हम लोग उधर मिल पाएगा। और भैया का शॉप का नाम भी कलकत्ता के मशहूर गोलगप्पे है। चलिए खाते हैं, मुझे भी थोड़ा सा मन कर रहा है खाने का। मेरे को ये पकड़ा दिया भैया ने, बोलते प्लेट खाना पड़ेगा बाद। तो एक्चुअली मैं पानी नहीं लेता हूँ उसका, गोलगप्पे का, तो मेरा स्पेशल कुछ बनेगा अलग से। चलिए प्लेट रख दिया। फाइनली बहुत दिनों बाद गोलगप्पे बढ़िया से एंजॉय कर लिया मैंने और सर ने। वेस्ट बंगाल जब जाती हूँ तब तो काफी खाती हूँ, बट यहाँ पर ना फ्रेंड्स इतना नहीं होता है, बहुत ही रेयर। तो उसके बाद आ गए हम लोग कमल ढाबा, क्योंकि हमें लेना था चना मसाला। एकदम गरम गरम रोटी बनाऊंगी घर पे जाके, उसमें थोड़ा सा बटर लगा के। एक्चुअली पता नहीं आज खाने का ना ऐसा मन हुआ, थोड़ा चना मसाला बटर लगा के रोटी और उसके साथ कोल्ड ड्रिंक्स तो ले ही लिया। तो आज है मंडे फ्रेंड्स, तो हम लोग इसी रास्ते से जा रहे थे, मंडे मार्केट बैठा है यहाँ पर, तो जल्दी से घर पे भी जाना है क्योंकि रोटी मुझे खुद बनानी है। तो यहाँ पर थोड़ा सा राजमा चावल भी सर ने ले लिया, और ये देखिए बटर लगा रही हूँ। तो चलिए हम लोग डिनर करने बैठ गए हैं, तो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। सो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल पे बने रहिएगा, तो बहुत ही जल्दी बैक टू बैक धमाका वीडियो आने वाला है। तो आज के लिए गुड नाइट, लव यू ऑल।